हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था बार कौन सा लेसन, चौथा लेसन। चौथे लेसन में हमने पहला लेक्चर दिया था आपको, ये आज दूसरा लेक्चर है। और दूसरे लेक्चर में हम आगे उसके आगे प्रोसेस कर, हमने कहाँ तक देख लिया, हमने अभिक्रिया का वेग तक पढ़ लिया था। आज हम अभिक्रिया का औसत वेग की बात करेंगे, औसत वेग के बाद ताक्षणिक वेग की बात करेंगे। ताक्षणिक वेग के बाद जब ऐसे जनरल रिएक्शन हो, फिर बैलेंस रिएक्शन, उसके लिए अभिक्रिया का वेग देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम इसका कुछ टाइम रहेगा तो हमारे पास न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, माइक हमारा आ गया है, आशा करते हैं अब आवाज़ अच्छी आनी चाहिए आपको। और फ़ैन चल रहा हो सकता है, सरसराहट की आवाज़ आए उसकी हो, फ़ैन की होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन चलाना मजबूरी है। तो आप आशा करते हैं समझेंगे इस बात को कि माइक आ गया। हमने बताया था कल आपको कि ऑर्डर किया गया है, आज आ गया था मॉर्निंग में, तो अब अच्छा रहेगा। जो आवाज़ दब जाती थी, जैसे मैं मोबाइल की ही रिकॉर्डिंग होती थी तो दूर जाता था तो आवाज़ दब जाती थी, अब माइक रहेगा साथ साथ रहेगा, आवाज़ दबेगी नहीं। इसको मैं लगा लेता हूँ, फिर क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, और जो भी है जैसा भी लगे आप लोग हमें बताएंगे, अच्छा है ये सब कि बेकार है, आवाज़ क्वालिटी कुछ सुधार आया है कि नहीं आया है। ये फिट हो जाए भाई, पहली क्लास है आप लोगों की इस माइक में। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा लेंगे तो अच्छी क्वालिटी और आएगी, तो उतनी अभी इनकम इनकम है नहीं, जानते हो आटा गीला है गरीबी में अब इस टाइम, तो उतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे व्यवस्था होगी तो बेटा हम कर लेंगे अपनी व्यवस्था। थोड़ा मैं चेक कर लूँ अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं तो कभी कभी वीडियो ख़राब हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है फिर। हाँ बेटा हो रही है, नीचे तक आ रहा है ना, चलो हो रही है, अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो ठीक है। आज हम बात करेंगे बेटा अभिक्रिया के औसत वेग की, अभिक्रिया के औसत वेग और ताक्षणिक वेग। पहले हम बात करते एवरेज रेट की, हेडिंग डालेंगे आप एवरेज रेट, औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की औसत दर। ये क्या होती है सर? ये जो दर होती है ए भी लगा देते हैं पर कोई जो इन्हें आर से ही सब डिनोट करते हैं। अच्छा, मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। काला तो नहीं भी दिख रहा हूँ मैं, कभी कभी बहुत काला दिखने लगता हूँ, ऐसे काला हूँ नहीं जितना दिखने लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ बाहर से देखना, चलो ठीक। तो मोलर सांता में जो परिवर्तन है बटे समय अंतराल, अब बताओ जब यहाँ पे सांता की, अभी सांता की परिवर्तन में जो हमने कल पढ़ा था वहाँ पे फार्मूला क्या लिखा था? सांता परिवर्तन बटे वो चाहे अभिकारक की सांता हो चाहे तो उत्पाद की सांता हो बटे समय अंतराल ही थे। तो बेटा जो हम कुल मिला के जो कल पढ़ रहे थे ना, अभिकारक के लिए इसमें सांता में कमी होगी, उत्पाद के लिए सांता में वृद्धि होगी, है ना। अभिकारक के लिए इसलिए माइनस लिखते हैं कमी होती है, तो उत्पाद में वृद्धि होती है इसलिए प्लस लिखते थे उसके लिए। तो जो कल पढ़ रहे थे वो एक तरह से औसत वेग ही था, औसत दर ही थी अभिक्रिया की। बात समझ में आ रही? क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सांता में परिवर्तन हो सकता है। अब 10 बोल रहे हैं 5 मिनट में सांता में परिवर्तन बताओ, 5 सेकंड में बताओ, नहीं 10 सेकंड में बताओ, तो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग सांता में परिवर्तन, अलग अलग समय अंतराल के अलग अलग सांता में परिवर्तन होगा, तो एक तरह की वो क्या है? औसत दर ही है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो बेटा लिख लो, एक किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत दर कहलाती। फिर ये डाल देना आप, ठीक है, इसे भी डेल्टा से लिखेंगे एक्स। अब मोलर सांद्रता है यहाँ पे एक्स, प्रोडक्ट लोगे उत्पाद के लिए एक्स हो जाएगा, उसके लिए टी हो जाए, उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा? आर लिख लेंगे हम माइनस लगा के, माइनस प्लस उसी तरह होगा जैसे मैंने कल बताया था, इसको छोड़ो कल के जैसा ही है सब कुछ। अब बात करते हैं हम ताक्षणिक,
ताक्षणिक दर की। ताक्षणिक मतलब समझते हो? ताक्षणिक मतलब समझते हो? इंटेस्टेनिया सुने हो? इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, इंटेंटेनियस क्या होता है? रेट। ये यहाँ पे ए है बेटा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ताक्षणिक। ताक्षणिक मतलब तब वो तत्काल हो जाए। क्या हो जाए? बहुत तत्काल हो जाए। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताक्षणिक। लिख लेंगे आप, ताक्षणिक दर। ये बहुत ही कम समय में हो जाए। मतलब यहाँ पे समय अंतराल जो है बहुत ही कम हो। बात को समझो, थोड़ा ध्यान दो। इसमें लिखोगे क्या? थ्योरी लिखोगे? किसी किसी दिए गए क्षण क्षण के लिए अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्षण मतलब बहुत ही कम समय। क्षण भर में कहेंगे ना, क्षण भर में बहुत ही कम समय। ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस टाइम होना चाहिए, बहुत ही कम समय। इसको लिखते हैं बेटा, याद रखना। जैसे हमने कोई ले लिया, आप ले लिया, हमने ये अभिक्रिया है, रिएक्टेंट है, ये दे रहा है उत्पाद। तो इसके लिए जो तत्कालिक दर होगी, इसका जो दर होगा, रेट होगा, वेग होगा, वो क्या होगा? अभिकारक के लिए लिखेंगे तो माइनस डी आएगा यहाँ पे, आर डेल्टा नहीं, डी आएगा, डी टी। बात समझ में आई? माइनस क्यों आया? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कमी होती है। ठीक है, ये क्या है? किसको बता रहा है? आर रिएक्टेंट को, इसको अभिकारक को बता रहा है। यहाँ पे ताक्षणिक के लिए डी लिखते हैं। इतना आपको याद रखना, और इसी पर आगे काम करना है। जितना भी लेसन में काम करना है ना, वो एकदम ताक्षणिक वेग दर पर ही, ताक्षणिक वेग पर ही काम करना है आगे। और अब उत्पाद के लिए लिखे तो क्या होगा? उत्पाद के लिए ये हो जाएगा, समझ गए? ओवरऑल हम बोल सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस डी आर डे डी बराबर प्लस का डी पी डी टी। समझ आ गई बात? ये हो जाएगा, यही बनते हैं। समझ आ गई बात? आशा करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, मिटा दे इसको फिर, बाकी इसका मात्रक वात्रक सब वही रहेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा ग्राफ देखें, आर पी के लिए ग्राफ देखें, अभिकारक के लिए ग्राफ देखें। बुक में बना होगा आपके, एनसीईआरटी में भी बना रहता है। यहाँ पे समय ले लेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे सी। सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता है। क्या है? सांद्रता है। ठीक है बेटा, बेटा बाबू दोस्त सब कुछ है यहाँ पे, देखने वाले बहुत कुछ रहते हैं। अच्छा, तो जो भी मन हो, मर्जी होगी, जो भी मुँह से निकलेगा मैं बोलता रहूँगा, इससे बिना सोचना। वीडियो देखने वाले बहुत होते हैं ना, हो सकता है मुझसे बड़े भी देखते हो। चलो वो अलग बात, छोड़ो। यहाँ पे देखो, हम किसके लिए ले रहे हैं? अभिकारक के लिए। किसके लिए ग्राफ ले रहे हैं? ओ सॉरी, राइटिंग मेरी कभी सही नहीं हुई। अभिकारक के लिए। अभिकारक में तो लगातार कमी आती है बेटा, अभिकारक में क्या आती है? लगातार कमी आती है। तो यहाँ पे सांद्रता पहले अधिक होगी और धीरे 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 क्या होगी? घटेगी। तो मतलब जैसे सांद्रता तो पहले यहाँ थी, और जैसे जैसे समय बीते चलेगा सांद्रता घटती चली गई, और एक समय ऐसा है कि सांद्रता एकदम स्थिर हो जाएगी, फिर घटेगी नहीं, बचेगा ही नहीं, तो क्या समझ रहे हो ना? फिर स्थिर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमी को ही दर्शाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो ये समय है, यहाँ पे ये समय ले लें हम, ये टी वन समय ले लें। इसके लिए सांद्रता देखो, यहाँ पे सांद्रता मान लो यहाँ पे सी वन है। अब यहाँ पे ले लें हम जैसे टी टू समय के लिए ले लें, इसके लिए सांद्रता देखो कहाँ आ रही? यहाँ आ रही है सी टू। समझ गए? समझ गए ना? तो ये ग्राफ हो जाता है अभिकारक के लिए।
समझ आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे C1 ज़्यादा है, C2 कम है, और यहाँ पे समय कौन सा, T2 ज़्यादा है, T1 कम है, तो इसके लिए दर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, C1 C2 D आता है यहाँ, ठीक है। सॉरी क्या हो रहा भाई, T2 माइनस T1, बड़े वाले छोटा घट वाला घटा देंगे, D आएगा डिफरेंशिएशन के लिए, D लगाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, मैथ वाले समझ रहे होंगे इस चीज़ को, डिफरेंशिएशन के लिए D लगा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बनेगा वैल्यू, यहाँ तो देखो ये तो ज़्यादा थी, ये तो कम थी, ठीक है, वहाँ पे प्लस में वैल्यू आ गई यहाँ पे, लेकिन ये क्या था, हाँ बात ये थी, बाद वाले से पहले वाली को घटाएंगे ना हम, बाद वाले से पहले वाली घटाएंगे, तो C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती बेटा, C1 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा थी भाई, देखो सांद्रता यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, आगे और समय बीतता जाएगा और यहाँ समय के लिए और कम होगी, बात समझ रहे हो ना, तो सांद्रता का मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, तो यहाँ पे जो सांद्रता में वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, इसलिए माइनस ना, दर क्या होती है, कोई भी स्पीड किसी भी चीज़ की स्पीड माइनस में नहीं होती, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से कोई फ़ोन करे कितनी स्पीड से चल रहे हो, माइनस स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते आप, तो स्पीड कभी माइनस में होती है, इसलिए डी माइनस लगा देते हैं खुद से, ताकि जो यहाँ पे वैल्यू आए वो माइनस माइनस क्या कर दे, प्लस कर दे, तो इसे क्या लिख लेंगे हम, डेल्टा सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, सीधा सीधा डी, और हम रिएक्टेंट के लिए आर लिख देंगे नीचे, डेल्टा डी टी कर देंगे, सॉरी डेल्टा ज़्यादा याद आता है, समझ आ गई बात, यही चीज़ होती है, समझे। अभी इसके लिए अब उत्पाद के लिए अब क्या होता है, उत्पाद के लिए अब ग्राफ देख लेते हैं, ये समय होगा, ये सांद्रता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उत्पाद तो लगातार बढ़ेगा बेटा, उत्पाद क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, ग्राफ बना लेना अभी कारक के लिए, उत्पाद के लिए ऐसे ग्राफ नोट में बना लेना, अच्छा लगेगा, ग्राफ व्राफ समझ में नहीं आते बच्चों को जल्दी से। चलो यहाँ पे देखो, उत्पाद लगातार बढ़ेगा, उत्पाद लगातार बढ़ेगा, यहाँ से शुरू होगा T0 टाइम से, इससे अभिक्रिया शुरू होगी, तो उत्पाद धीरे 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा उत्पाद क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर लाइन उसको क्या हो जाएगी, सीधी, ऐसा तो नहीं उत्पाद हमेशा बढ़ता ही रहेगा, जब तक अभिकारक रहेगा तभी तक तो बढ़ेगा, जब तक अभिक्रिया होगी, नहीं तो उत्पाद अभिकारक खत्म, तो उत्पाद खत्म, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी आ जाएगा ये, अच्छा एक अवस्था ऐसी आएगी, समझे, साम्य अवस्था में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान ले T1 है, तो यहाँ के लिए सांद्रता देखो, ये यहाँ आ रही, मान लो C1 है, यहाँ T2 है समय, मान लो यहाँ के लिए सांद्रता देखो, सांद्रता लगातार क्या, समय के साथ साथ सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, समझ आ गई बात। तो यहाँ से C1 क्या करेंगे हम, बाद वाले से पहले वाला घटाएंगे, तो दर क्या लिखेंगे हम, C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस में ही आएगी, इसलिए डेल्टा ये लिख देते हैं, ठीक है बेटा, इसलिए प्लस में लिखते हैं ना, आशा करते हैं आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थ्योरिकल ये प्रैक्टिकली देख चुके होंगे, आशा करते हैं समझ में भी आ गया होगा, आप बुक में देखेंगे समझ में आएगा, अगर इस पर न्यूमेरिकल मिलते हैं ग्राफ के ऊपर तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना सॉल्व हो तो हमें बताइएगा, हम तो करवाएंगे ही बाद में, मिटा दे इसको, समझ गए आप लोग इसको, तो बेटा ताक्षणिक वेग भी आप समझ गए हैं, ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पे जो बेटा अभिकारक या उत्पाद की होती है ना, यहाँ पे ढाल होती है, एक निश्चित टाइम के लिए पूछता है ना ये, यह यहाँ पे दर एक निश्चित टाइम के लिए पूछता है, ग्राफ में जो मैंने आपको बताता है वो वहाँ पे एक जैसे कि मान लो इसी में है, यहाँ पे मान लो इसी टाइम के लिए प्रॉपर इसी टाइम के लिए पूछ रहा है दर, इसी टाइम के लिए ये T1 टाइम है, इसी टाइम के लिए दर पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे ये जो ढाल है, ये ढाल ही इसका स्लोप ही इसका क्या होगी, दर होगी, जो यहाँ पे जो लिखते हैं दर ना, प्लस डी प्रोडक्ट DT, तो यहाँ पे ये जो है ये ढाल को ही बताता है, ये किसको बताता है, ढाल को ही, ये चीज़ें बुक में लिखी होंगी, और जो अभिकारक में था वो भी ढाल को ही बताता है, समझ गए, वो भी क्या करता था,
वो भी ढाल को ही बताता है, किसी निश्चित समय अंतराल में पूछ लिए तो यहाँ पर जो स्लोप है या जो ढाल है वो उसे ही व्यक्त करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई प्राप्त समय अंतराल होता ही नहीं है, एक निश्चित फिक्स टाइम के लिए पूछ लेगा तो कहाँ से है आपके पास समय अंतराल, बताओ है समय अंतराल बताओ। यहाँ पे जैसे मैंने पूछ लिया प्रॉपर इसी टाइम के लिए बताओ, यहाँ पे ये जो टाइम है मान लो T1 है, इसी टाइम के लिए ये दर बताओ यहाँ पे कितनी होगी, इस टाइम के लिए दर बताओ यहाँ पे, तो समय अंतराल हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे जो ढाल होगा ये ढाल है यही स्लोप भी क्या है उसकी दर होगी, समझ गए, ये चीज़ होती है। चलो आगे कुछ बचा है? हाँ बेटा आगे बचा है थोड़ा सा, हम दर अब निकालना सीखेंगे, दर क्या करना सीखेंगे, निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन दे दिया है, ठीक है, दर का निर्धारण, अभी तक तो हमने सामान्य सी अभिक्रिया देखी, तो जो बैलेंस नहीं थी बेटा, ठीक है, निर्धारण ऐसे नहीं लिखते ना, निर्धारण ऐसे ही लिखते हैं, देख लेना आप, हिंदी में कन्फ्यूजन होता है, दर ज्ञात करना है ऐसे कह दो, अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है ऐसे लिख लो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए टीचर, पर हो जाता है कन्फ्यूजन कभी कभी, क्लास में भी मेरे से हुआ करता है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण, हो सकता है बच्चे गाली दे, हम निर्धारण भी लिख रहे हैं, हम आप लोग देख लेना हम निर्धारण ही लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, निर्धारण ही लिख रहे हैं, सही है शायद, हमको हिसाब बुक में नहीं दिया है ना, ये अपने आप से बता रहे हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, जैसे ये एक ये यहाँ पे जो होता है बेटा क्या, स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक होता है, क्या स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक होता है, स्टॉइकियोमेट्री पे हमने 11th के लिए पहला लेसन चल रहा है हमारा 11th में, उसके लिए स्टॉइकियोमेट्री का वीडियो बनाया है, आप देखना चाहे, नहीं समझ में आता तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में क्लास 11 वाला चैप्टर 1 ओपन कर लेंगे, स्टॉइकियोमेट्री का होगा एक लेक्चर, लेक्चर नंबर 8वां 9वां या 10वां कुछ ऐसे ही है, ठीक है देख लेना प्लीज, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो होता है वो स्टॉइकियोमेट्री होता है, ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए जैसे हम दर लिखें, ए के लिए लिखें तो क्या होगा, अब यहां पे हम तात्क्षणिक दर की ही बातें करेंगे, ठीक है बेटा, किसकी किसकी दर किस दर की बातें करेंगे, तात्क्षणिक दर की नहीं तो किसी भी दर की बातें करो, तात्क्षणिक दर होगा तो डी आएगा, उसके लिए डेल्टा आएगा, तात्क्षणिक की बात करते हैं तो माइन अभिकारक है तो माइनस आएगा, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt, ये सही नहीं है। यहाँ पे बेटा जो स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं, इसके स्टॉइकियोमेट्री ऐसे ही लगाते हैं, जो यहाँ पे स्टॉइकियोमेट्री होती है, स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं ना इन संख्याओं को, या एक एक के कितने मोल है, ए मोल है, स्मॉल ए मोल है, बी के कितने मोल, स्मॉल बी मोल है, जो मोलों की संख्या यहाँ पे होती है इसको यहाँ पे मोलों की संख्या ना करके ना संख्या बोल के स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, तो इससे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते, तो एक बटे क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है समझ गए, अगर बी के लिए लिखना चाहे तो माइनस 1/b से डिवाइड होगा, डी बी आ जाएगा, dt आ जाएगा, बी से 1/b से क्यों हो रहा है, बी नीचे ही जाएगा, नीचे ही गुणा होता है, ए के मोल लिख के नीचे स्टॉइकियोमेट्री से गुणा करते हैं, अच्छा स्टॉइकियोमेट्री से नीचे हर में गुणा करते हैं, याद रखना ये जो संख्या स्टॉइकियोमेट्री होती है उससे हर से गुणा करते हैं, सवाल में काम देगा ये चीज़। अब इनके लिए देख लेते हैं दर, वैसे आपको बता दें हम ये जितनी भी दरें होंगी सब की सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होंगी, यहाँ पे सबकी सब क्या होती हैं, बराबर पे ही लिखी जाती हैं, क्योंकि सभी आर के बराबर होते हैं, सभी को हम क्या लिखते हैं, बराबर ही लिखते हैं, ठीक है तो सभी को क्या लिखते हैं, बराबर ही लिखते हैं, तो जगह तुम्हारे पास है नहीं तो यहाँ पे लिख देते आर के ही बराबर है सब कुछ, ठीक है, इसके लिए प्लस आएगा, सी होगा और dt होगा ना, और यहाँ पे कितने से गुणा हो जाएगा, सी से, समझ आ गई बात बेटा, और इसके लिए लिखे तो 1/d से गुणा हो जाएगा और d
ये आ जाएगा, ये यहाँ पे दी दी, अब काट ना देना है, वो डिफरेंशिएशन का है, ठीक है, हो गया, ये अभिक्रिया की होगी। अब आपको हम बैलेंस रिएक्शन देते हैं, एक ओरिजिनल रिएक्शन देते हैं ना, ये तो बनी बनाई हुई है, मानी गई है, अब वास्तविक रिएक्शन देते हैं आपको, सही सही वाला रिएक्शन, उसके लिए आप बताएंगे, वीडियो को पॉज करके उसके लिए आप बताएंगे। अमोनिया वाला ही ले लें हम, जैसे स्टैकियोमेट्री वो जो होगा वो बैलेंस करने के बाद लगाई जाती, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा तभी, इसके लिए दर हम बता सकते हैं, बैलेंस रिएक्शन की ही दर बताएंगे हम आप, एक बैलेंस रिएक्शन नहीं सवाल में तो बैलेंस करेंगे पहले, तो यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ये सम है, तो यहाँ पे सम बनाएंगे, इवन नंबर बना देंगे, टू से मल्टीप्लाई, सिक्स हो गया तो यहाँ पे थ्री लगा देंगे। अब इसके लिए दर बताओ, चलो वीडियो पॉज करो, बताओ जल्दी से, वीडियो पॉज करके बनाओ आप। माइनस आएगा अभिकारक है, कुछ है ही नहीं आगे, स्टोइकोमेट्री वन है, कुछ नहीं तो वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब है नहीं, वही रहेगा, थ्री है तो वन बाई थ्री से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए, उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, एन एस थ्री की सांद्रता में परिवर्तन, ये हो जाएगी दर, समझिए आपको दर निकालना आ गया किसी भी अभिक्रिया की, ऐसी अभिक्रिया की दर निकालते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना आप, एक आपको दे दे। अब एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पे ये दर इन दोनों, ये दोनों तो कमी होगी, इनकी कमी होने की दर या इनके विलोपन होगा, इनकी इनकी इनमें इनकी दर में, इसकी इसकी इसमें क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी, इसके निर्माण की दर आएगी, ठीक है, ये चीज़ अलग अलग पूछ लेता है, चलो हम वैसे ही बता देते हैं। बहुत खांसी आ रही है यार आज, ये कोरोना वरोना तो नहीं हो गया मेरे को। पी सी एल फाइव है दे रहा गिप्स पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, ठीक है, अब पी सी एल फाइव के अपघटन की दर या विलोपन की दर, पी सी एल फाइव के विलोपन की दर क्या होगी, माइनस में आएगा, कमी होगी इसलिए माइनस में आएगा, पहला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए, पी सी एल फाइव हो जाएगा और डी टी आएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कुछ है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब पी सी एल फाइव के बनने की दर, पी सी एल थ्री के बनने या निर्माण होने की दर, बनने की दर क्या होगी बेटा, आर, और यहाँ पे प्लस आएगा पी सी एल थ्री डी टी, हो गया। अब सी एल टू के भी बनने की दर आ जाएगी, बोर्ड हमारा छोटा है ना, पैसा आएंगे ना तो पहले मैं बोर्ड लूँगा, अच्छा रोया ही करता जब देखो, तब प्लस में आएगा डी सी एल टू आ जाएगा, बैलेंस है नहीं कुछ, कोई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं है ना कुछ, ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगी, समझ आ गई बात। एक आपको होमवर्क के लिए दे दे, आप करना और भेजना, फिर मिटा दे इसको, एक आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है बेटा, N2O5 क्या बना रहा है, O2 प्लस N2, बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेंगे आप, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओ, ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4, एक 5 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं हो सकता तो यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे कर दो 4,
बैलेंस करना नहीं आता, तो बैलेंस करना हमें बताया है, एक वीडियो बनी है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन बाय ज्ञानेंद्र यादव, या माइंड ब्लोइंग क्लासेज आप गूगल पे कर लीजिए, फिर यूट्यूब पे कर लीजिए, मिल जाएगी वीडियो, देख लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन दो, पाँच दुनी दस, यहाँ पे चार दुनी आठ, दो दस हो गए। अब इसकी इसकी विलोपन होने की दर, इन दोनों की बनने की दर आपको लिखनी है। यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है ताछड़िक है या वो है, तो आप डेल्टा भी लगा के निकाल सकते हैं, डी भी निकाल के लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा है ताछड़िक है या फिर ऐसे है सामान्य दर है या ताछड़िक दर है। ठीक है बेटा, तो आप डेल्टा निकाल के भी जरूरी नहीं डी ही लगाएं, ठीक है, आप समानता भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं ना, एक दो सवाल देखते हैं, इसके आगे कुछ और न्यूमेरिकल कल देखेंगे। ठीक है बेटा, देख लिया जाए सवाल, सवाल ढूंढ लूँ मैं अच्छे अच्छे हाँ, एक रिएक्शन है, रिएक्शन है बोल रहा है 2A गिव्स 4B प्लस C, दिख रहा है यहाँ पे, चमक तो नहीं रहा है, दिख रहा है गिव्स 4B प्लस C, ठीक है, के लिए बी की सांद्रता 10 सेकेंड में 5×10^-3 ये मोल प्रति लीटर बढ़ती है, याद रखना बढ़ती है, क्या है बढ़ती है, क्योंकि उत्पाद है ना तो बढ़ेगी, बढ़ती है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपको गणना करना है, फाइंड दैट, आपको निकालना है, गणना करना है। पहला है बेटा बी के निर्माण की दर, बी के निर्माण की दर आपको निकालना है बेटा जी, और बी नंबर में क्या निकालना है, बी नंबर में ए के लुप्त होने की दर, ए के लुप्त होने की दर। प्रॉपर आपको मिलेगा नहीं सब कुछ यूट्यूब पे, अच्छा हिंदी में मैं सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। चलो तो कुछ हम थोड़ा सा साइड कर ले, उस तरफ कर ले बेटा। हमें सी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं ना, ए बी के लिए पूछ रहा है, बी के लिए ही दिया हुआ है ना, बी के निर्माण की दर पूछ रहा है ना, तो बी के निर्माण की दर देखो क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा, बी के निर्माण की दर, बताओ बी के निर्माण की दर क्या होगी, क्या होगी, डेल्टा में लिख लो चाहे डी में लिख लो, डेल्टा बी, बी आएगा यहाँ पे, अच्छा नीचे कितना आएगा, डेल्टा टी, और यहाँ पे 1/4 भी तो आएगा, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक लिखेंगे ना रिएक्शन में, देखो तो ये सांद्रता में परिवर्तन का समय दिया हुआ है, और समय भी दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सांद्रता परिवर्तन कितना हो रहा है 10 सेकेंड में, इतना सांद्रता में परिवर्तन यहाँ पे जो होता है, ये डेल्टा बी यहाँ पे क्या होता है बेटा, सांद्रता में परिवर्तन ही होता है /समय अंतराल, जितना उससे उसने टाइम में जितने सांद्रता में परिवर्तन हुआ, तो सांद्रता में परिवर्तन इतना हो रहा है 10 सेकेंड में, तो बस निकाल लेंगे यहाँ से हम, काटो पीटो, 5×5, 5×10, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4×8 1/8 आ गया, 10^-3 1/8 को हम डिवाइड कर लो, 8 से भाग लगाओ 1 को, कितना आएगा, छोटी संख्या है, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 1 बार जाएगा 8 आएगा, 2 आएगा 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 2×8 16 आएगा, 4 बनेगा 40 होगा,
8×45 कट्टम कुट्टम हो जाएगा, तो कितना आएगा दर यहाँ पे 0.185 × 10³। ठीक है, मात्रक आपको मैंने बताया है मोलर, ठीक है, मोल लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आ गई समय, ये दर आ गई। वैसे हमें काटना नहीं चाहिए था, चलो हम आगे बताते, आगे क्या पूछ रहा है हमें, ये इतना ही आएगा। अच्छा सर, आगे क्या पूछ रहा था हमें, ए के लुप्त होने की दर, ए के लुप्त, सवाल मिटा ले थोड़ा सा, हमारी पूरी अभिक्रिया के लिए दर लिखना चाहे तो हमारी अभिक्रिया क्या थी, 4B + C, यही अभिक्रिया थी। दर लिखना चाहे पूरी अभिक्रिया के लिए तो क्या होगा, माइनस में डेल्टा ए 1/2 से गुणा होगा, बटे डेल्टा टी प्लस 1/4 डेल्टा बी बटे क्या आएगा, डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये ए के विलुप्त होने की ही दर तो है, यहाँ पे ए के विलुप्त होने की दर लिखेंगे निकालेंगे तो यही चीज़ तो लिखेंगे, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है। बात समझ में आ गई बेटा, बात -1/2 डेल्टा ए डेल्टा टी, और इतने की जगह हमें पता है कितना लिखना है, इतना ही तो लिखना है, ध्यान से देखो, ये इतने के ही बराबर तो है, ये इतना दिख गया आपको, देख लिया ना, तो बस इतने की जगह उतना लिख दो, इतने की जगह पे ये वाला आराम से हल कर लो। तो प्लस का होगा 1/4 और यहाँ पे 5, इसलिए बेकार काट दिया था, उसको छोड़ देते उतने में, कोई दिक्कत नहीं है, साल्व करके ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। बस देखो यहाँ पे, यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे तो इधर भेज दो, डेल्टा ए डेल्टा टी तो इधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1/4 × 5 × 10 × 10 × 2। इधर देखो कितने किधर था, डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 × 4 = 2 बनेगा, 5 ये कितना बना, 2 बना तो कितना आएगा, 1/ घोच पहुँच हो जाएगी, कितना बना, 1/4 × 10³−3। बस इसको सॉल्व कर लो आगे, और यही जो होगी वो ए के विलुप्त होने की दर होगी, ए के विलुप्त होने की दर होगी, ठीक है, ए के विलुप्त होने की दर यही होगी। ये कितना आएगा, 0.5 समथिंग आएगा ना, टू आएगा, फिर कितना आएगा, 8, 2 फिर 20 बनेगा, इतना आएगा, × 10³−3 इतना क्या आएगा। और ये जो यहाँ पे जो आएगा, ये माइनस था ना, तो यहाँ पे ये माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। अच्छा, माइनस यहाँ पे विलुप्त तो होने की दर को दर्शाता है, माइनस आप लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है, समझ आ गया। तो इतने विलुप्त तो होने की दर होगी, ये यहाँ पे एक बी के बनने की दर होगी, दोनों सवाल बन गए। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग देख लेना अगले आगे, इसके आगे और बाकी सारे बहुत सारे करवा देंगे, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पे हम पावर रिड्यूस भी कर सकते हैं ना, तो 2.5 लिख सकते हैं, × 10⁴ कर सकते हैं, है ना, मोल प्रति लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखेंगे फिर, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल के अगले वीडियो, थैंक यू।